जानते हैं, जो तेरे चरणों में आते हैं वे लज्जित नहीं होते हैं, वे आत्मा में भर कर तेरी महिमा के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सुबह सामर्थ्य से भरने पाए, अभिषेक से भरने पाए, ओ पवित्र पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी महिमा में वे ओ प्रफुल्लित हो जाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे शब्द प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, हमारा शरीर प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, हमारा उठना, हमारा बोलना, हमारा चलना प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए होने दीजिए। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, हालेलुया। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हमारी मन की आंखें तेरी महिमा के लिए तैयार हो जाए, हमारी मन की आंखें यीशु तेरी और लगी हुई हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज इस भवन में तेरी सामर्थ के कामों को हम देख पाएंगे। ओ आज इस भवन में ओ जितने लोग आते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से आराधना करेंगे, तेरे नाम से यहाँ पर लोग चंगे होंगे, तेरे नाम से यहाँ पर दुष्ट आत्मा कांप कर भागेगी, तेरे नाम से लोग यहाँ पर अद्भुत कामों को देखने पाएंगे, क्योंकि यीशु आप ऐसे करते हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा हो, हालेलुया। यस धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह सारी महिमा हम केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम ये प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन। अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएं, खड़े होकर परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। यस वो सामर्थ्य परमेश्वर, यीशु तेरी महिमा हो, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरी सांसों में यीशु तेरा नाम, मेरे विचारों में यीशु तेरा नाम। तू ही योग्य है, ओ तेरी स्तुति मैं करूं, जहां तक मेरी
पहुंच, जहां तक मैं देख सकता हूं, जहां तक मैं जा सकता हूं, वहां वहां यीशु तेरी महिमा होने पाए। बाइबल में लिखा है क्या ही सुहावने वो पाव हैं जो अपने सुसमाचार को लेके चलते हैं। हमारा पैर जहां जहां जाए वहां वहां यीशु तेरी महिमा हो।
मेरे सांसों में, मेरे शरीर के अंदर, मेरी आत्मा में, मेरे प्राण और शरीर में यीशु तेरा नाम गुंजदार है। और चाहे मैं जाऊं, कहां भी रहूं, जहां रहूं, जहां सेवा करूं, जहां प्रभु में नौकरी करूं, जहां ओ व्यवसाय करूं, यीशु तेरी महिमा मेरे जीवन से उठने पाए, यीशु तेरी ही महिमा मेरे जीवन से होने। सारे दुनिया का रखवाला यीशु आप हो, ओ धन्यवाद यीशु, मेरे साथ मिलकर जहां मेरी नजर जाए। हमारे साथ रहने वाले यीशु, उसकी हम आराधना करें, मिलकर इस गीत को गाएं, विनती सुन ले, यीशु प्यारे मोरे संग्रह हो महाराज, अब तुम राखो मोरी राज। हमारी बहुत सारी ऐसी प्रार्थना है जो हमें ऐसा लगता है, प्रभु मेरी प्रार्थना आप कब सुनेंगे, कब मुझे उत्तर दोगे। ऐसे कई ऐसे प्रार्थनाएं आपकी होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सही समय पे प्रार्थनाओं का जवाब हमें देता है। हालेलुया, बिल्कुल इसकी तो गाय विश्वास के साथ गाना। Yeshua।
विनती करूं तुमसे कर चोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। हालेलुया, हमारी विनती प्रभु सुन लीजिए। यस, विनती करूं तुमसे कर चोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे कर चोरी, विनतियां है, घर के लिए विनतियां है। ओ, अपने
से कर चोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी, विनती करो तुम से कर चोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, दर्शन दिखा दो नाम को जिसने पुकार पाया जीवन।
जय जयकार कीजिए। वो हर नामों में श्रेष्ठ नाम है, वो हर नामों में महान नाम है, ऐसा सामर्थी नाम है। हालेलुया, वही योग्य, वही सामर्थी है। हालेलुया, आइए थोड़ी देर और प्रभु को महिमा देंगे। यस, जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में शांति, जिस नाम में जिंदगी है, वो नाम सामर्थ्य। तिवास को उठाए थोड़ी देर। यस, ओ धन्यवाद, 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 यस, धन्यवाद। चांग आवाज उठाई, आवाज उठाई। यस यस यस,
सामर्थ्य, वो नाम पवित्र है, वो नाम आदर के योग्य है और उस नाम को महिमा मिले। तेरे ही नाम की गाते हम स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो है और जो आने वाला है, आदर और महिमा मिले तुझे, चाहता है और तू मुझे गुलाब का आशीष देना चाहता है। हालेलुया, सिर्फ प्रभु में तेरे लिए गाऊंगा गाऊंगी, सिर्फ प्रभु में तेरे लिए जीऊंगा जीऊंगी, ऐसे निर्णय के साथ यदि आप आए हैं प्रभु यीशु को महिमा दीजिए। आज यहाँ पर आपके लिए प्रभु अनोखे कामों को करने जा रहा है, विश्वास करेंगे तो आपके लिए संभव होगा। चाहे आप बीमारी में सोकर गुजर रहे हैं, चाहे आप परेशानियों में सोकर गुजर रहे हैं, चाहे किसी भी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपको चंगा करने के लिए यहाँ मौजूद है, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर है और उस नाम की महिमा हो। Yes. जो आने वाला है।
उसकी महिमा करिए। ओ धन्यवाद धन्यवाद, वही तो आदर के योग्य है, वही तो सामर्थ्य परमेश्वर है, वही तो राजाओं का राजा है, वही तो राज करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आवाज उठाइए, प्रभु को महिमा दीजिए, जो है जो था और रहेगा, जो हमेशा राज करेगा, उस नाम को आदर मिलने पाए, उस नाम को महिमा मिलने पाए, उस नाम से यीशु मसीह अद्भुत कामों को ओ अपने नाम के निमित्त वो करता है। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नाम है जो युगों युगान युग तक नाम रखा गया है, युगान युग तक स्थिर रहने वाला, अटल रहने वाला ऐसा अनोखा नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम, वो पवित्र नाम है, वो सामर्थी नाम है। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। क्यों ना अपने हाथ तक उठाकर इस लाइन को गाए, तेरे ही नाम की स्तुति हम गाते हैं, इस प्रकार स्वर्ग में लाखों हजारों दूत बिना विश्राम किए वो गाते हैं। प्रभु ने कितना बड़ा सौभाग्य हमें दिया है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। तेरे ही नाम की गाते हम स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, जितने लोग आनंदित हैं हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद यीशु जोर से बोलिए, जोर से बोलिए धन्यवाद यीशु।
नए साल में अगर आपने मुस्कुराया नहीं, थोड़ा सा दांत काट जो हमारा बात देना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मैं बैठे बैठे यहाँ पर प्रभु के दास के लिए धन्यवाद दे रहा था। खूबसूरत वचन से बपतिस्मे के विषय में आपको प्रोत्साहित किया उन्होंने, प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते। सारे हमारे बुजुर्ग लोग, माता पिता भाई बहन, विशेषकर के पास मांगकर उनके पूरे परिवार, बेटे परिवार, उनकी बेटियां परिवार, सबको प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत और सामर्थ्य नाम में प्रेमी सलाम मैं कहता हूँ। प्रभु आपको भी आशीष देने पाए। दिल में गीत आ रहा, मिलकर हम गाएंगे। इस मंडली में भाइयों हम सब एक है, हम एक है ना में कुछ। इस मंडली में भाइयों हम सब एक है, हम एक है ना, कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, इस मंडली में भाइयों हम सब एक है, हम एक बहनो, इस मंडली में हम सब एक है, हम एक है, उसकी नजर में दोनों बराबर, उसकी नजर में मेरे साथ साथ गाओ, यीशु के पास जो आना चाहे, यीशु के पास जो आना चाहे, ओ पीले प्रेम का प्याला, पीले प्रेम का प्याला, कौन सा प्याला? इंग्लिश वाला प्याला नहीं, रोड पर जो बना वो प्याला नहीं, गुलाबी भी नहीं, पीले प्रेम कोई कार वाला, ना कोई बेकार वाला, ना कोई कार वाला,
मंडली में भाइयों हम सब परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खांडी ओबरी की मंडली के साथ मिलकर आपके चरणों पर हम आते हैं प्रभु जी। इस दास खदास के प्रभु, उनके परिवार के लिए, जितने आज मंडली में जुड़े उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन से आप हमसे बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छा, आपकी शक्ति, आपकी महिमा, आपके पराक्रम को आप हमें दर्शाने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर, जलाल, महिमा, सब कुछ आपको आपको हम देते हैं। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। सबको एक बार और प्रभु के दास दासियों को, सेवक सेविकाओं को, बुजुर्गों को और टीम को, सबको प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम स्वागत कहते हैं। फिलाडेल्फिया फेलोशिप परिवार की ओर से भी आपको हम बधाई देते हैं। साल भर आप लोग मीटिंग चलाते रहे, लॉकडाउन डाउन के अंदर भी आप डाउन नहीं हुए और मीटिंग चलती रही। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। आज प्रभु ने मेरे को सुबह जब उठा, मैंने पूछा, प्रभु क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं। सच बता रहा हूँ, मैं करीब करीब 4:45 के आसपास मैंने पूछा, खांडी ओपरी से आप क्या कहना चाहते हैं। प्रभु की आत्मा ने मेरे को बोला, मेरे लोगों को प्रार्थना करना सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ। और आज मैं विश्वास करता हूँ, मैंने कोई साइड में या पुराना संदेश को ताजा या गर्म कर नहीं, लेकिन प्रभु ने खांडी ओबरी मंडली के लिए एक संदेश दिया है, आपके लिए संदेश दिया है। और प्रभु का सपना है आपके लिए कि आप प्रार्थना करवाने वाले नहीं, आप प्रार्थना करने वाले बनने जा रहे हैं। और मैं 6 घोषणाएं जो प्रभु ने नए साल के लिए पूरे फेलोशिप के लिए मुझे दी, मैं आपके साथ मिलकर यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ। और आप मेरे साथ विश्वास करिए, ये सब कुछ आपके लिए सच होने जा रहा है। 1, हम साधारण नहीं रहेंगे, हम आत्मा से भरे हुए हैं, इसलिए असाधारण काम को हम करेंगे। बोलिए, हम असाधारण काम करेंगे। बोलिए जोर से, चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार आपने कई बार सुना है। और हमको लगता है चमत्कार किसी बेल पर टंगा हुआ फल है जो हम कभी पहुंच नहीं पाते हैं, और उस लोमड़ी के समान जो बार बार उछल रही थी लेकिन अंगूर तक पहुंच नहीं पाई, फिर उसने बोला अंगूर खटे और वो चली गई। लेकिन इस 2022 के अंदर मैं विश्वास करता हूं, चूंकि पवित्र आत्मा मंडली के ऊपर है, इसलिए ये आपके लिए अलौकिक चमत्कारों से भरा हुआ वर्ष होगा। ये साधारण वर्ष नहीं होगा, ये असाधारण वर्ष होगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही। 2, हम लोग 2022 में हुणवा वाला इसनी केवा वाला बन जा रहा। हालेलुया, सुनने वाले नहीं लेकिन प्रभु की महिमा बोलने वाले बनने जा रहे हैं प्रभु के भवन के अंदर। 2022 के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूं, इस साल में 52 संडे है, और अगर 52 संडे में से 52 संडे आप इधर बैठेंगे, प्रभु की आत्मा आपको ऐसा तैयार करेगा कि आप प्रभु की महिमा अपने मुंह से करने वाले हो जाएंगे। आप बोलेंगे और वो हो जाएगा, आप विश्वास करेंगे और प्रभु आपका अनुग्रह देगा। 3, प्रभु क्या करने जा रहा है मालूम, 2022 में खांडी ओबरी की मंडली के अंदर परमेश्वर आपको दर्शक नहीं। अब कई व्यक्ति कौन आएगा, अब आज कौन है, ठंडी लग रही है पर देखा कहीं नहीं चल रहा। दर्शक नहीं, आपको प्रभु की महिमा का प्रदर्शक बनाएगा परमेश्वर। समझ रहे हैं आप लोग, आपका आपकी हालत बदलने जा रही है। बोलिए, आप मेरी हालत बदलने जा रही, बोलो। कुछ लोगों को अपनी हालत से इतना प्रेम है, उनके लिए मेरे पास बड़ी दुख की खबर है। आपकी 38 साल की वो पुरानी कंबल प्रभु उठाकर हटाने जा रहा है, और आपको वहां बैठे 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 ढेड़ा में बैठे बैठे आपको वहां पर गलाएगा नहीं, प्रभु आपको खड़ा करेगा लेकिन पुरानी कंबल हटा देगा आपकी। 38 साल के रोगी की समस्या क्या थी मालूम, उसको उसके कंबल से प्रेम हो गया था। कुछ लोग हैं आपको मालूम है, उनकी कंबल नहीं मिले तो नींद नहीं आती, या उनकी खाट नहीं मिले तो नींद नहीं आती, उनकी तकिया नहीं मिले तो नहीं। हमको हमारी रीतियां पसंद आ गई है, इसलिए हम एडजस्ट वे किया है, बस तो यूं जाऊंगा यूं आऊंगा, इतनी बजे आऊंगी उससे पहले नहीं आऊंगी, खुदा भी उतर जाए तो भी मैं नहीं आऊंगी, ये हमारी एडजस्टमेंट है।
खुदा आपके घोंसले को ऐसा हिलाएगा 2022 में कि आप उड़ना सीखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप केवल देखने वाले नहीं, क्या होता है देखती हूँ मैं चर्च में, ये देखने की आदत हटाकर आपको करने की आदत में प्रभु 2022 में डाल रहा है। समझ में आ रहा है, इसलिए आप ताली बजा रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जोर से ताली बजा कर मेरे प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए। नंबर चार, आशीषों के ग्राहक नहीं, आशीषों के वितरक प्रभु आपको बनाने जा रहा है। बजाओ बजाओ बजाओ। हाँ, समझ में आ रहा है इसलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी तक मैंने क्या किया मालूम, 2021 तक प्रभु जी आलो 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 और आलो, रखवा जगह नहीं तो भी आलो आलो, चंगाई मिल गई तो भी आलो और आलो, इधर से भी आलो न उधर से भी आलो। अभी आलो 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 तो चलता रहेगा, लेकिन प्रभु आपको खड़ा करेगा। अब आलो आलो ही नहीं, आपको आलने के लिए प्रभु कहेगा, बोला जाओ और देव, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीषित कर दिया। समझ में आ रहा है, इसलिए जोरदार ताली बजाकर आपके शरीर को मालूम पड़ने दो, मेरे को क्या हो रहा है आज, आज क्या हो रहा है मेरे को। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, ग्राहक ही नहीं वितरक इस साल प्रभु मुझे बनाएगा। बोलिए जोर से वापस, आशीषों का ग्राहक ही नहीं, जोर से बोलिए। आपके पड़ोसी गुस्सा नहीं होगा अगर आप जोर से बोलोगे तो, क्योंकि कोविड ने हमको सिखाया किसी को डिस्टर्ब मत करना, यूं बैठना बस, यूं मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए मुंह सरस गया यूं। जोर से बोलो, मैं आशीषों का ग्राहक ही नहीं। बाकी बोलो, समझ में आया तो, आशीषों का वितरक बनने जा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहा हूं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। पांचवी बात, ये सारी बातें क्यों है मालूम, क्योंकि इस साल यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर है, यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर है। लूका 4:18 में लिखा, यीशु ने कहा यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, और वो यशायाह 61 के अंदर सुनायतों को लेकर कह रहा था यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर, इसलिए का जवाब मैं आज आत्मा में फिलदेल्फी के मंडली को मैं दे रहा हूं। पांचवी बात, और ये खतरनाक बात है, ध्यान से सुनना, अगर पाचन नहीं हो तो पानी बाद में पी लेना। अब मैं तू थारा न मारे, दूसरों को दूर करने वाली नहीं, दूसरों को गले लगाने वाली इस साल में मैं बनूंगा। दूरियों ने लोगों को दूर कर रखा है, दीवारों ने लोगों को बांट कर रखा है, भाषा हो, धन हो, स्टाइल हो, शैली हो, किन किन कारणों से शत्रु प्रभु के लोगों को दूर करना चाहता है, वरदानों के नाम से, अभिषेक के नाम से, अन्य बातों के नाम से शैतान कलीसिया को विभाजित रखता है, लेकिन 2022 के ऊपर, क्योंकि चूंकि यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, इन दीवारों को मैं गिराऊंगी, इन दीवारों को मैं हटाऊंगा, और मैं लोगों का इंतजार नहीं करूंगा कि वो मुझे गले लगे या हाथ मिलाए, मैं उनके पास जाकर प्रभु की महिमा को और प्रभु के प्रेम को बांटने वाला बनूंगा। हालेलुया। क्लब सुना, क्लब आपने, फील्ड क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इसमें फीस लगता है, और जो दे सकते हैं वो क्लब में जुड़ जाते हैं, और जो दे नहीं सकते वो देखते रह जाते हैं। हाय रे, गजब, मेरे को तो कभी ऐसे होगा ही नहीं। कलीसिया क्लब नहीं है जहां पर सक्षम है और असक्षम भीख मांग रहे हैं। कलीसिया ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर सबके सब सक्षम बन जाएंगे और परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएंगे। दीवारें गिर जाएगी, एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव प्रभु मुझे और आपको बनाने जा रहा है। लेकिन छठी बात, चूंकि यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर है, संदेश शुरू नहीं हुआ, ये अपन बस तवा गर्म कर रहे हैं ताकि अपन आगे जाएंगे, ठीक है। 4:00 छोड़ देंगे आपने, कहीं नहीं, ठीक है। आया भी आप मेरे जैसे 12:00 झोंक तो कहीं नहीं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। छठी बात क्या बोला मालूम, इस साल में 2022 में महेंद्र पाटिल साहब, जो जो काम शुरू करेंगे हम उसको पूरा भी करेंगे। केवल शुरू करने वाले नहीं लेकिन पूरा करने वाले हम बनेंगे। हालेलुया,
और मैं केवल बिल्डिंग या बड़ी बड़ी फिजिकल प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक मंडल की बात कर रहा हूँ। इस साल में जो आप ठान लोगे, प्रभु आपको मदद करेगा आप करने के लिए। आपके मन में आएगा मुझे प्रभु के लिए ये करना है, प्रभु आपके हाथ को बलवंत कर देगा और आप कर पाएंगे। आपके मन में आएगा मुझे ये करना है, प्रभु आपके हाथ को बल देगा। आपके मन में आएगा मुझे यहाँ जाना है, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। शुरू करने वाले ही नहीं लेकिन पूरा करने वाला ये साल आपका ठहर जाएगा। हालेलुया। पढ़ाई ठान लोगे आप कि मुझे करना है तो प्रभु आपको पूरा करने का मन देगा, बल देगा। नौकरी आपको पूरी करने का बल आपको प्रभु प्रदान करेगा। बीच में अधूरा छोड़ेगा नहीं। मेरा परमेश्वर आधा अधूरा काम नहीं करता है, पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको भी पूरा करने के लिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पूरा पूरा ये छह बातें मैं अब दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये छह बातें हम आपको सौंपते हैं। ये साल में परमेश्वर आपके लिए पूरा करेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं और ऐसा आपके लिए मैं घोषणा करता हूं। अब हम चलते हैं जो प्रभु ने वचन दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के अंदर नीचे जहां से प्रभु के दास पढ़ रहे थे उसी के इर्द गिर्द हम आज रहेंगे और प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे। शुरू में ही बोल दूं, प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा दिया गया हथियार है। ये शब्द आजकल उपयोग करना बहुत खतरा है, खतरनाक शब्द। हथियार, हथियार लेके मत घूमना, हथियार है मेरे पास। वो सुनते ही दूजनी छूट जाती, हथियार। डंडा हो तो भी हथियार। लेकिन प्रभु के लोगों के पास भी बहुत हथियार है जो पृथ्वी के नहीं है, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये हथियार स्वर्गीय हथियार है, स्वर्ग के हथियार है। उसमें से प्रमुख हथियार मैं कहना चाहता हूं, प्रमुख तो कैसे कहूं, सब प्रमुख है, लेकिन चलिए प्रमुखों में से एक मैं कहूं, वह है प्रार्थना का हथियार। प्रार्थना का हथियार, आपको मालूम प्रार्थना वो शक्ति है जो परमेश्वर के हाथ को मोटर के समान घुमा देती है। आपने मोटर देखा है या जेसीबी देखा आपने, इन चट्टानों को हाईवे को काटता है, हाथ ऐसे बाहर निकलता है मशीन से और चट्टानों पर उंगली रखता है और खींचता और निकाल देता है। प्रार्थना भी ऐसी ही जेसीबी के समान शक्ति है जो असंभव परिस्थितियों के ऊपर हावी होकर उनको संभव बना देती है। ये परमेश्वर का हथियार है जो कलीसिया को प्रभु ने इस प्रकार दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के अंदर हम लोग हैं और कुछ देर वहां से अपना अध्ययन करेंगे और मैं आपको कुछ आयतें दूंगा और आप वहां से पढ़ेंगे, पढ़ने में आप मेरी मदद करेंगे। 12 आयत पढ़िए, 12 आयत, 12 और 13। हाँ, यूहन्ना 14 का 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब भी बाइबल में सच सच आता है या एक ही शब्द दो बार दोहराया जाता है तो बोलने वाला हमको दबा कर बोल रहा है, मान लो हिला कर बोल रहा है, वो उठो उठो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, जोर से बोले, मैं तुमसे, थोड़ा दबा के बोलो ना, आपके शरीर को भी मालूम पड़े आप भवन में बैठे हो। मैं तुमसे, दो बार लिखा मतलब एक ही शब्द को दबाकर प्रभु कह रहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता हूं कि हाँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, हाँ, वह भी करेगा, वो भी करेगा, आगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्या बात है, इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, आगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, आगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हाँ, वही मैं करूंगा, वही, इस शब्द एक एक मात्रा पे आज वजन है, वजन, वही मैं करूंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, वहां रुक जाइए। प्रार्थना पहली बात यीशु मसीह के नाम से करनी है। प्रार्थना की लंबाई नहीं, प्रार्थना की वॉल्यूम नहीं, प्रार्थना माइक के साथ करा या बिना माइक के साथ करा उससे नहीं, प्रार्थना किसके नाम से करी है उस पर स्वर्ग मोहर लगाता है, उस पर स्वर्ग मोहर लगाता। कभी कभी मैं सोचता हूं, आपकी बात नहीं बोल रहा, मैं सोचता हूं कि प्रार्थना जितनी लंबी करूंगा उतने जल्दी स्वर्ग सुनेगा। आप करो ना लंबी प्रार्थना, कोई बात नहीं, लेकिन चलती मीटिंग में मत करना क्योंकि बाकियों को नींद आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं लंबी प्रार्थना रात को करो अकेले में,
मंडली में छोटी प्रार्थना करो। बोलो समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, थैंक यू। प्रार्थना की लंबाई नहीं, मेरी बात बोल रहा हूँ, आपकी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जैसा ऊंचा बोलते नहीं आप लोग। मैं तो कभी कभी चिल्ला चिल्ला के खूब प्रार्थना करता हूँ, खूब चिल्ला कर मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है मालूम? मेरे चिल्लाने से स्वर्ग नहीं सुनता है, समझना आप इस बात को। ये तो मुझे रोमांच आ जाता है, मुझे खुशी आ जाती है, इसलिए मैं चिल्ला देता हूँ। हो क्रिकेट कभी देखते हैं, स्कूल में कभी खेलते हैं तो आप जोश में आ जाते हैं, है? बॉल को मारते हो तो जोर से चिल्लाते, क्यों चिल्लाते? क्योंकि आप खुश हो गए। प्रार्थना के अंदर भी रोमांच आ जाता है तो हम चिल्लाते, लेकिन चिल्लाने के कारण स्वर्ग नहीं सुन रहा है। सुनना आप ध्यान से, स्वर्ग सुनेगा तो क्यों सुनेगा मालूम? क्योंकि आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना। तो किसके नाम से प्रार्थना करना है? चर्च के नाम से नहीं, पादरी साहब के नाम से नहीं, टीवी में देखने वाले पादरी साहब के नाम से नहीं, यूट्यूब पर चलने वालों के नाम से नहीं, अलाना न फलाना न ढिंगाना न के नाम से नहीं। किसके नाम से प्रार्थना करना? जोर से बोलो। किसके नाम से प्रार्थना करना? जोर से बोलो। जैसे अपन एप्लीकेशन बनाते हैं ना, अपन सब एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाने के बाद उसमें सील जो लगना है ना, सील, वो सील कौन सा नाम का है? यीशु के नाम का। जब उस एप्लीकेशन पर यीशु के नाम की मोहर लग जाती है, स्वर्ग उसको स्वीकार कर लेता है। इसलिए आपकी प्रार्थना का जो लास्ट लाइन है ना, वो सबसे गंभीर होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग जोर से? आमेन। यीशु के नाम से लिखा, क्या लिखा? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। नंबर दो, नंबर दो, वही। सब लोग बोलिए जोर से, वही। एक बार और बोलिए, वही का मतलब क्या है? जो हमने प्रार्थना करके मांगा। हाँ पादरी साहब तो कह दीदा बार आप भी क्यों, वही का मतलब पादरी साहब नहीं बोलेंगे अभी, बाकी लोग बोलेंगे। हाँ वही का मतलब जो कुछ हमने, कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु को करना है तो करने दो, मैं प्रभु को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कुछ लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है छोटी छोटी बात में, हर बात में प्रभु जी से क्या पूछना है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन यह लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, फिर आगे वो पढ़ो शब्द जोर से, वही मैं करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थना के प्रति उत्तर में ही काम करता है। किसी ने उदाहरण बोला बहुत समय पहले, मरने के बाद, ये काल्पनिक घटना है क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूं, इसलिए मरने के बाद एक आदमी स्वर्ग गया सा, और स्वर्ग गया तो बहुत बड़ा वेयरहाउस देखा। वेयरहाउस जानते हैं, जहां पर डिब्बे पे डिब्बे डिब्बे पे पड़े थे, खूब डिब्बे पड़े स्वर्ग में। तो इसने पूछा ये क्या है, तो बोला पता करो। तो आगे गया तो एक एक का नाम लिखा है, तो उसको रुचि हो गई, वो उसके जैसे मेरा नाम पॉल है तो प पर दौड़ कर गया, प पे आ की मात्रा, फिर ओ जोर से गया पॉल पे गया, और एड्रेस दौड़ते दौड़ते अपने नाम के उस खांचे पर पहुंचा तो इतनी बड़ी अलमारी के ऊपर डब्बे डब्बे उसके नाम से पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? जोर से बोलिए बच्चे लोग, क्या पड़े हुए थे? गिफ्ट के डब्बे पड़े थे, गिफ्ट के डब्बे उसी के नाम से। तो उसने उस स्वर्गदूत से पूछा मेरे नाम से गिफ्ट पड़ा था तो मेरे को क्यों नहीं दिया? जैसे कभी कभी कुछ बच्चे लोग पूछते हैं अपने मम्मी से, मेरे को क्यों नहीं दिया? तो स्वर्गदूत ने बोला तेरे नाम से ही था, तैयार था, डिलीवरी करना था, लेकिन तूने मांगा ही नहीं, इसलिए यही चले गया। अरे बाबरे, मालूम बेटा तो पहले ही मांग लेता। इसलिए तो हम कह रहे हैं, तुमने क्या लिखा हमने, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं परमेश्वर केवल मेरे घुटने का दर्द, अपन कैसे दुआ करते बताओ, आपको बता, आपकी बात नहीं बोल रहा, उदयपुर के लोग कैसे दुआ करते, प्रभु बस ये 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 वाला घुटना है कि ये बस थोड़ा हाउ कर दे, बाकी तो मैं चल जाऊंगा कहीं नहीं, ये वाली किस्त निकाल दे प्रभु जी, बाकी तो मैं संभाल लूंगा।
बस ये एप्लीकेशन पास करवा दे, बाकी ये जितनी छोटी हो, अपने भी बोलते भी स्टाइल भी ऐसे ही ना, थोड़ा सा कर दो बस। हम सोचते प्रभु भी थोड़ा सा नहीं, परमेश्वर थोड़ा नहीं, बड़ा काम आपके लिए और मेरे लिए करना चाहता है। मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आपकी अपेक्षा क्या है परमेश्वर से? आपकी मांग क्या है परमेश्वर से? आप प्रभु से क्या मांग रहे? केवल घुटने की चंगाई या मेरे देश की चंगाई, मेरे लोगों का छुटकारा, मेरे लोगों की भलाई? आप क्या मांग रहे हैं? आप मांग रहे हैं प्रभु जी मुझे बस 60x40 का प्लाट मिल जाए, उसमें एक डेढ़ कमरा बना दूं, प्रभु जी मजा जाए। प्रभु बोलेगा ठीक है। इसके विपरीत आप बोले प्रभु मुझे इतना दे ताकि मैं दूसरों की भी सेवा कर सकूं, दिल खोलकर लोगों को बैठाकर मनवार कर सकूं, उसके लिए भी प्रभु आपको ताकत देगा। लेकिन जो मांगोगे वही आपको मिलेगा, जो मांगोगे वही आपको। तो पहली बात हमने देखा, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। नंबर दो, हमको हर बात के लिए हमको प्रार्थना करने की अनुमति है और इजाजत है। आप प्रार्थना कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके देश के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपको तनख्वाह आती है उस डिपार्टमेंट के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपको जो परेशान करते हैं उनके लिए, आपको जिनको देखकर खुजली होती है उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए आपको अनुमति है। बोलिए हालेलुया जोर से। अरे जोर से बोलो हालेलुया। नंबर तीन मेरे साथ आइए, पहला यूहन्ना 5:14 के अंदर आइए, पहला यूहन्ना 5:14। नंबर तीन प्रार्थना, और उसके बाद कुछ देर में आपको मध्यस्थी प्रार्थना की और आपको लेकर जाऊंगा, और मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ आज बने रहे। पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना से पहले है और उसके बाद उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए पहला यूहन्ना 5। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है आगे वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं आगे, तो वह हमारी सुनता है। बस बस बस, किसकी इच्छा के अनुसार? हाँ, यहां बहुत लोग गड़बड़ी में फंस जाते हैं। हम कैसे दुआ करते मालूम? प्रभु जी मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं और उसको दो सुनाऊं, ताकि उसको भी मालूम पड़े कि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है, कड़ा है। लेकिन यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, किसकी इच्छा के अनुसार मांगना है? यहां फंस जाते हैं। हमारी इच्छा है कि हम ये करें, हमारी इच्छा है कि वो करें, हमारी इच्छा है कि वहां जाएं, लेकिन प्रभु बोलता है ये सारी प्रार्थना में कैंसिल हो जाएगी अपने आप। अगर प्रार्थना को पास करवाना है तो आपको याद रखना है, प्रभु तेरी इच्छा हो तो हमारे लिए ये तू करके देना, और परमेश्वर जरूर करेगा। लेकिन आपको लगेगा अरे ऐसे प्रार्थना करने में क्या मजा आएगा, क्या मजा, मेरी तो इच्छा पूरी नहीं हो रही, प्रभु की इच्छा तो वैसी क्या है, मजा नहीं आएगा। आपको मालूम जब आप प्रभु की इच्छा के पीछे चलना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा से कहीं अच्छी और कहीं बड़ी है। मैं आपको एक व्यक्तिगत गवाही देता हूं प्रभु की महिमा के लिए। मैं जब जवान था, अभी जवान नहीं हूं, जब जवान था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये करना है वो करना है, बस पैसे आ जाए। मेरे को रात को भी सोता था तो पैसों के सपने आते थे, पैसों के सपने। तो मुझे लगता था पैसे कमाना है और बस ये करना है, इधर से पैसे आएंगे और इधर लगाएंगे, ऐसे मैं सपना देखता था। आपकी बात नहीं बोल रहा, आप तो पता नहीं क्या सपने देखते हैं, लेकिन मैं ऐसे देखता था। लेकिन क्या हुआ, जब मेरे को प्रभु ने पकड़ लिया और प्रभु की सेवा काई में लगा दिया, तो मेरे को एक बात की बड़ी उदासी थी। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बड़ी उदासी थी मेरे को। मुझे ऐसा लगता था अब मेरे पुराने सपनों का क्या होगा, मेरे पुराने सपनों का क्या होगा, और मैं बड़ा उदास होने लगा। हाय रे हाय, ठीक है प्रभु जी रे पीछे चल रहे हैं, हाँ ठीक है मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन जोर से बोलो लेकिन। कभी कभी अपन सोचते हैं ना, प्रभु के पीछे चलना अच्छा है, लेकिन एक रात को मैं सो रहा था, और जब मैं सो रहा था मैं इन बातों को याद कर रहा था, अगर
पैसे के पीछे मैं जा रहा हो, क्योंकि उस समय मेरे को आज से 27 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, उस समय पर 27 साल पहले मुझे जब नौकरी मिली, मैं बाहर की कंपनी के साथ काम कर रहा था और हर महीने ज़्यादा नहीं, उस समय 27 साल पहले मेरे को 28,000 रुपये वो लोग तनख्वाह देते थे और 20 दिन काम करना था और उसमें से दशमांश मैं कभी देता ही नहीं था, आज भी नहीं देता हूँ दशमांश। आपके लिए खुशखबरी, मैं हमेशा दशमांश का डबल देता था और आज उससे ज़्यादा देता हूँ। मैं दशमांश देता ही नहीं हूँ, छी दशमांश क्यों देना चाहिए, मैं देता ही नहीं हूँ। लेकिन उस समय भी मैंने सीखा था कि दशमांश तो बच्चों का खेल है, उससे भी बढ़कर देना है। और जब मैं उस समय देता था, मैं सोचता प्रभु को मैंने दे दिया, अब बाकी पायो मारो ही चाहिए, अब रमांगा खाऊंगा घुमाऊंगा खरीदाऊंगा दिखाऊंगा पहनाऊंगा, आपकी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे सोचता था। तो मैंने जब एक रात को ये जब सब सोच कर बैठा था प्लानिंग करके, तो प्रभु ने मेरे को बोला, तू मेरे पीछे आएगा अगर इन चीजों को छोड़ देगा, इन चीजों को छोड़ देगा तो मैं इससे भी बढ़कर तुझे दूंगा। मेरे को समझ में नहीं आया वो, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, नोट तो नोट होता है, तनख्वाह तो तनख्वाह होती है, तनख्वाह ही तो राजा होता है, बाकी तो सब फकीर होते हैं, ऐसे डायलॉग थे मेरे दिमाग में। तो जब मैंने प्रभु को ना चाहते हुए, ठीक है खुशी से नहीं किया मैंने, प्रभु ने मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे मेरे को, आपको भी कुछ लोगों को मारेगा अगर लाइन पर नहीं रहोगे तो, 2-3 थप्पड़ मारे मेरे को, नीचे गिरा दिया और मेरा गाड़ी की हवा निकल गई जीवन की, और मुझे ऐसे लग रहा था ये आखिरी वार है, हा हा प्रभु बस 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 ढप जो रुको रुको, मान रहा हूँ मान रहा हूँ मान रहा हूँ। ऐसे जब मैं कर रहा था, जैसे कुश्ती में लड़ते हैं ना, कुश्ती में नीचे गिरा देते हैं, पहले पैर पटकता है, फिर हाथ पटकता है, फिर लास्ट में वाह 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 वाह, जब ऐसा हो गया मैंने सोचा मेरे सपने खत्म हो गए। लेकिन आज 27 साल के बाद मैं कहना चाहता हूँ, जितने सपने मैंने मेरे पैसों के और मेरे जीवन के लिए और मेरे योजनाओं के लिए रखे थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनसे बढ़कर 27 साल के बाद मैं कह सकता हूँ, सब कुछ प्रभु ने पूरा करके मुझे दिया है। हालेलुया, जो जो सपने थे वो तो कब के पूरे हो गए, उससे बढ़कर प्रभु ने मुझे दिया। ये गवाही मैं क्यों बोल रहा मालूम, क्योंकि मैंने मेरी इच्छा से मांगना छोड़ दिया। मैं ये सबसे खतरनाक जानवर है, मैं ये कभी गुर्राता है तो कभी प्यार से बात करता है, ये मैं, कभी डराता है तो कभी फुसलाता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेकिन मैं करेंगे परमेश्वर उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन आज से आप सीख लीजिए, अगर आप कहेंगे प्रभु आपकी इच्छा, आपकी बातें, आपका राज्य, आपके वचन, आपके काम, आपके आदेश, आपके कानून, जब आप ऐसे कहने लगेंगे स्वर्ग आपके साथ आ जाएगा और 10 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल प्रभु इस पृथ्वी पर और आने वाले दुनिया में भी प्रभु आपको प्रदान करेगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। पहली बात हमने सीखा, हमको यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। दूसरा, हर बात के लिए हमको प्रार्थना करना है। तीसरा भी हमने सीखा, हमको उसकी मर्जी के आधार पर प्रार्थना करना है। चौथी बात उसी आयत में लिखा है, पढ़िए वापस एक बार, पहला योना 5:14, उसके बाद 15 भी पढ़ना। हाँ, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अब सुनना आगे, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है आगे, तो यहां भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। इसको बोलता हूं मैं, मांगना है तो फिर विश्वास से मांगना। कभी कभी अपन लोगों के सामने जब अपन को जरूरत हो जाती है, आपकी बात नहीं बोल रहा, मेरी जरूरत हो जाती है, अपन को 2,000 रुपए चाहिए और अपन मांगू कि नहीं मांगू, देगा कि नहीं देगा, पूछू कि नहीं पूछू, फिर अपन यूं आगे पीछे होते हैं। ये अच्छी भाषा है, आगे पीछे होते हैं अपन, पूछूं कि नहीं पूछूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, मना कर देगा तो इंसुलेट भी जाएगा हमारा यूं, तो खर पीछे हम आगे पीछे। अगर आगे पीछे हो रहे हो तो आप परमेश्वर से मांगना मत। याकूब की पत्री के अंदर आइए, याकूब पहला अध्याय के अंदर आइए, वहां पर क्या कहता है याकूब प्रार्थना करने वालों के विषय में है। 6 आयत पढ़ी, 1-6,
पर विश्वास से मांगे, मांगने वाला कैसे मांगे, विश्वास से मांगे आगे, और कुछ संदेह ना करे, संदेह ना करे आगे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है आगे, जो हवा से बहती, जो हवा और से उछल बहती है और उछलती है और उछलती है। फिल्म का नाम है कभी इधर न कभी उधर। अविश्वास करने वाला कभी मांगता है कभी छोड़ता है, कभी बोलता है प्रभु तू कर, वह प्रभु बाद में बोलता है वह मैं लोन ले लूंगी, कभी बोलता है प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, फिर शाम को निकल के बोलता है मैं करूंगा, मैं ही सब कुछ हूं। मांगने वाले को कैसे मांगना चाहिए, विश्वास से मांगना, जोर से बोलिए विश्वास से मांगना है, एक बार जोर से बोलो ना विश्वास से मांगना है, सांस लेके बोलो विश्वास से मांगना है। विश्वास मतलब कि मुझे मालूम है कि मैं जिससे मांग रहा हूं वो मेरे लिए पूरा करेगा, करेगा, आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है आपको प्रभु के साथ। आप विश्वास से मांगिए और आपके विश्वास का आदर कर कर परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। ताली बजा के प्रभु को जोरदार धन्यवाद आज सुबह दीजिए। कितनी बातें हो गई, नंबर वन किसके नाम से, यीशु के नाम से, किन किन बातों के लिए, हर बात के लिए। नंबर थ्री, हाँ अभी हमने देखा कैसे मांगना है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। नंबर चार, विश्वास से मांगना है, विश्वास से मांगना है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक कहानी, सच्ची कहानी आपको बोलता हूं। ओरल रॉबर्ट्स नाम के प्रभु के दास थे, ओरल रॉबर्ट्स के लिए ऐसा लिखा है उनके हाथ से 10,000 से ज्यादा मेडिकल रिकॉर्ड स्थापित किया हुआ है, 10,000 लोग चंगाई पाए, अभी प्रभु में सो गए। तो एक रात को वो प्रार्थना कर रहे थे सेवा शुरू करने से पहले, तो उनको रात को दर्शन मिला, प्रभु ने बोला मैंने तुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है। वो खुश हो गए, उन्होंने मीटिंग लगाई और मीटिंग लगा के बोला मैं चंगाई सभा करने जा रहा हूं। जब वो पहली मीटिंग करी, जिन जिन के लिए प्रार्थना किया वो सब ऑफ हो गया, कहीं हो गया, अरे कहीं हो गया, मर गए। दूसरी मीटिंग लगाई, थोड़े लोग कम हो गए क्योंकि वो वाली खबर आ गई, तो लोग कम हो गए। इसमें भी प्रार्थना किया, उसमें जो सबसे पहले दो जन आए थे वो भी कहीं हो गया, अरे बोलो तो सही, ऑफ हो गया, ऑफ। अब खबर फैल गई कि ओरल रॉबर्ट से प्रार्थना कराओगे तो ऑफ हो जाओगे। तीसरी मीटिंग करी, कोई आया ही नहीं, कोई नहीं आया, बोले इससे क्या दुआ करावे, ये दुआ करता तो सीधा ट्रांसपोर्ट भेज जाता है। तो ये जाके रोने लगे, प्रभु जी क्या है ये, आपने मेरे को चंगाई की मिनिस्ट्री के लिए, ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री मेरा हो गया, ये नाम बदनाम हो गया करके बहुत रो रो के प्रभु ने बोला चौथी मीटिंग कर, बोला मैं नहीं करूं, नहीं करूं, नहीं करूं, कर नहीं करूं, कर नहीं करूं, कर। तो ठीक है, उसने चौथे शहर में जाके बोला चंगाई सभा ओरल रॉबर्ट्स आ रहे हैं। तो खबर फैल गई, क्या फैल गई, विच ट्रांसपोर्ट वाला, अबे दुआ करवा आ रही है ये करके। तो एक बूढ़ी थी, सच्ची घटना बोल रहा हूं, एक बूढ़ी थी, व्हील चेयर पे थी, सालों से व्हील चेयर में थी, उसने बोला वैसे भी जाना है, क्या बोला, वैसे भी जाना है, अबे यो मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया और बढ़िया, हाउ वे जाए तो और बढ़िया। और क्या हुआ मालूम, वो बूढ़ी स्त्री को लेकर उसका पोता मीटिंग में आया और पोता मीटिंग में आकर उसको मीटिंग में रखा और वो वहां से चला गया। ओरल रॉबर्ट्स की मीटिंग में एक अकेली बूढ़ी सामने बैठी थी, पूरा 1.5 घंटा ओरल रॉबर्ट्स ने मीटिंग चलाई, और मीटिंग चलाने के बाद इस बहन से पूछा क्या तू चंगा होना चाहती है, उसने बोला वैसे भी मेरे को जाना है, जाऊं तो बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया। ओरल रॉबर्ट्स ने प्रार्थना की, इतिहास बताता है वो बहन उस कुर्सी से खड़ी हो गई और चलने फिरने लग गई और प्रभु की महिमा करने लग गई। उसके बाद से ताली बजाओ तो बढ़िया, मेरे यीशु के लिए ताली बजाओ, मेरे लिए मैं कभी मत बजा रहा, यीशु के लिए बजाओ, आपको देख रहा है कैसे ताली बजा रहे हो, 25 पैसे वाली बजा रहे हो आप
प्रभु देख रहा है, एक रुपए वाली बजाओ शाह। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की मर्जी। किसकी मर्जी? यीशु की मर्जी के आधार पर जब प्रार्थना करोगे तो फिर आप पूछोगे मुझे मर्जी कहां से मालूम पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, इसको पढ़ना शुरू करोगे तो अपने आप मालूम पड़ेगा पिता की मर्जी क्या है, धंधे के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, सेवा के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लैंड खरीदूं कि बेचूं, जमीन खरीदूं कि बेचूं, गाड़ी खरीदूं कि बेचूं, बच्चे पैदा करूं कि रोकूं, इन सब के लिए परमेश्वर के वचन के अंदर क्या है, उसकी इच्छा है। पढ़ोगे तो जानोगे, बंद रखोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए इस साल में आपको निर्णय करना है, मुझे प्रभु की इच्छा मालूम करना है, इसलिए मैं प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ूंगी। अब मेरे को आप बताओ, जीवन भर आप होटल में खाना खा सकते हो क्या? जीवन भर है, क्यों नहीं खा सकते? मैं आपको सिखाता, बुरा मत मानना, जब आप चाहे किसी भी चर्च में, जब आप भवन में आते हैं और केवल वचन वहीं पर सुनते और पढ़ते हैं तो होटल में खाने के बराबर है। ज्यादा से ज्यादा अपन महीने में एक बार होटल में खा सकते हैं, थोड़ा पायो ज्यादा हो, उमड़िया हो तो दो बार खा सकते हैं, लेकिन बाद में घर में जाके दाल रोटी तो बनानी ही है। बोलो हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं मैं चर्च में जाके सुनूंगा बस, घर पे दाल रोटी नहीं खाऊंगा, खाने भी नहीं दूंगा, और मुश्किल से चर्च में बैठूंगा और घड़ी में देखता रहूंगा कब खत्म होगा। घड़ी रुक गई क्या? आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, उदयपुर की बात बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मालूम, आपको ये निर्णय करना है, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना करूंगा तो आप मेरे लिए अद्भुत काम कर देंगे। हालेलुया। विश्वास की बात बोल रहा था मैं, विश्वास से, बोलिए विश्वास से प्रार्थना करना है। अगर मन में विश्वास नहीं है तो आप प्रार्थना मत करो, खुदा का भी टाइम मत बिगाड़ो, आपका भी टाइम मत बिगाड़ो। मैं ऐसे बोलता हूं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। एक बंदर ने क्या हुआ, एक बार अपने उधर ठेठ चुंडावड़ा के आगे उसने एक अदरक का पेड़ लगाया। किसने लगाया? बंदर ने। रोज जाता और अदरक का पेड़ निकालता और देखता हुआ कि नहीं हुआ, फिर शाम को जाता निकालता, क्या बोलता वो? अरे बोलो तो सही, क्या बोलता? फिर वापस रख देता, फिर सुबह जाता, फिर बोलता, क्या बोलता? आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, उदयपुर में जो आते ना वो बोलते तीन संडे आया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ देखते रहोगे तो कुछ भी, उसको आज छोड़ दो, आत्मा का जल जाने दो, वचन का जल जाने दो, और समय आने पर वो अदरक बढ़ जाएगा 30 गुना 60 गुना 100 गुना, और आपके लिए और आपके हजारों के लिए काम आता चला जाएगा। ताली बजा के प्रभु को जोरदार धन्यवाद दीजिए। बोलो यीशु मसीह की। तो कितनी बात हो गई, मैं बोल बोलकर आपके कान को भरकर फिर कुछ निकल जाए ऐसा नहीं करना चाहता। नंबर वन बोलो, क्या बोला? यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। बोली जोर से बोलो, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। नंबर दो, सब हर बात के लिए प्रार्थना करना, जोर से बोलिए एक बार और। नंबर तीन, इच्छा के अनुसार। किसकी इच्छा के अनुसार? मैं कमाता हूं, मेरी इच्छा इधर पूरी होनी चाहिए। सुना कि नहीं सुना युव जी? हाँ बोल रहा है, देखो यही तो गड़बड़ी है। मेरी, बोलो मेरी इच्छा नहीं, जोर से बोलो, प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर ये बात होना शुरू हो जाए तो घर के आधे लड़ाई तो वैसे ही कम हो जाएंगे और वैसे ही बर्तन बजना कम हो जाएंगे। लड़ाई क्यों होती मालूम? मैं जो बोलूंगा चुटकी बजाऊंगा तब उठ जाना सब लोग, मैं आऊंगा उसके बाद ही बैठना। ऐसा बोलना छोड़कर हम बोल दे प्रभु की इच्छा है तो तीसरी कितनी बात हो गई, मैं भूल जाता हूं, मेरा छोटा सा दिमाग है मैं भूल जाता हूं। पहली बात क्या था? यीशु के नाम से। नंबर दो, हर बात के लिए। नंबर तीन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। नंबर चार,
कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है, विश्वास से मांगना है। अब अगली बात मैं आपको यूहन्ना 15 के अंदर से बोलना चाहता हूं। मैं 4 बजे छोड़ूंगा आपको, घबराना मत आप लोग। अगर चूहे कूद रहे हैं तो उनको बोलना मर जाओ। ओके, यूहन्ना 15 में क्या लिखा है? तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। 7 आयत 15 का 7 पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो आगे और मेरा वचन तुम में बना रहे। अरे यहां भी दिख रहा है मेरे को, तो वहां भी दिख रहा है, क्या बात है। हाँ यहां देखूंगा मैं। हाँ पढ़िए वापस। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा है? जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? जो चाहो मांगो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहना पड़ेगा। यह है अगली बात। वचन नहीं है, वचन नहीं है तो केवल वायु निकलेगी, लेकिन वचन है तो अद्भुत पराक्रम आपके मुंह से, आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए वचन पढ़ना है। आप बोलोगे मेरे को पढ़ना नहीं आता, आपके बच्चों को बैठाओ, बोलो तू पढ़, आप तू पढ़ के सुना मुझे। आप किचन में रोटी बना रहे होंगे, आप बेटे को बोलो बेटा तू पढ़कर सुना मुझे, यूहन्ना से पढ़कर सुना तू मेरे को, और वो पढ़ता रहेगा। आप रोटी बना सकते, लेकिन जब वचन 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 जब आपके अंदर आएगा, आप प्रभु के आशीष का, लोगों की उन्नति का कारण आप बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आखिरी बात पादरी लोग जब आखिरी बात बोलते हैं तब समझ जाना आधा घंटा और चलेगी गाड़ी। ये आपको मैं बोल रहा हूँ, किसी को बोलना मत, ठीक है? आखिरी बात, ठीक है? बोलो जोर से। हम अपने आप के लिए ही नहीं, अन्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी बुलाए गए हैं। अन्यों के, अय्यूब की पुस्तक उसके 42 अध्याय में आई, अय्यूब की पुस्तक उसके 42 अध्याय आखिरी अध्याय है। अय्यूब कहाँ है आपको मालूम है? पुराने नियम में है। पुराने नियम में किधर है? भजन संहिता से पहले है। अय्यूब का 42 का 10 देखिए, अय्यूब 42 का 10। हाँ, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। क्या लिखा है? किसके लिए प्रार्थना की? जब पादरी साहब ने अय्यूब के लिए प्रार्थना, कैसे लिखा है? क्या लिखा है? अच्छा, आपका नाम भी अय्यूब जी है, अरे बाप रे। हाँ, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। आप इनके पीछे पीछे बोलो। हाँ, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, रुको रुको, इसका मतलब क्या हुआ मालूम? अपने आप के लिए ही नहीं, हमें अपने मित्रों के लिए भी मध्यस्थी प्रार्थना, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना है, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना है, जो प्रभु को जानकर भी नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना है जो जो प्रभु से दूर है। कलाम कहता है जिनका दायां हाथ और बाएं हाथ में उनको फर्क नहीं मालूम, ऐसे भी करोड़ों लोग इस भारत के अंदर हैं जिनको बुराई नहीं मालूम, भलाई नहीं मालूम, बस भेड़ चाल के समान चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खड़े होकर, नाके में खड़े होकर, एक और शब्द बाइबल के अंदर लिखा है, नाके में खड़े होकर। नाका समझते हैं आप लोग? बिल्कुल, अपन यहां भी एक नाका है। नाके में खड़े होकर मतलब क्या सही क्या गलत, क्या मृत्यु क्या जीवन, क्या अंधेरा क्या ज्योति, नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने वालों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना लिखा है। आगे देखिए, तो आप बोलेंगे मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा तो मेरा क्या होगा? उसको तो मिल जाएगा, तो मेरा क्या होगा? आप सुनो क्या होगा, वहां लिखा है देखो। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब प्रार्थना किया ना, तो डबल काम हो गया, डबल काम, डबल इंजन, सुना आपने, डबल काम, उनका भी काम हो गया और परमेश्वर ने अय्यूब को कितना दे दिया? डबल दे दिया। अगर आपको डबल चाहिए, अगर आपको दुगनी आशीष चाहिए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। हैं? और अगर मैं उसके लिए बोलूंगा प्रभु उनको कार मिल जाए, उनको मिल गई तो, अरे मिलेगी तभी तो आप दुआ कर रहे हो, लेकिन उनको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको भी डबल मिलेगी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज सुबह। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, मध्यस्थ प्रार्थना,
पूरे जगत के लोगों को नाश होने वाली आत्माओं को मित्र बनाकर प्रार्थना करने वाली आत्मा है। आपको प्रभु की बातों को समझना है, केवल स्वार्थ प्रार्थना नहीं, केवल सीमित प्रार्थना नहीं, असीमित प्रार्थना करने के लिए, केवल व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, अन्यों के लिए। मेरे साथ यह स्किल की पुस्तक के अंदर आइए, वो अगर स्क्रीन मैं आप दिखा सके, यह स्किल की पुस्तक उसका 33 अध्याय वही होना चाहिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने एक मनुष्य को चाहा, वो आए ढूंढ रहा हूँ, मेरी मदद करें। अगर आपकी बाइबल में वो मार्क है तो मैंने एक मनुष्य को नाके में, लॉर्ड हेल्प अस नहीं, मैंने एक मनुष्य को नाके में खड़ा देखना चाहा परंतु मुझे नहीं मिला। ओके, मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए, वो आयत मेरे पास मार्क नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। 22:30, थैंक यू 33 बोल दिया मैंने, 22:30, थैंक यू। ये स्किल पुस्तक 22:30, पेज नंबर 994। हाँ, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर ने नाके में खड़े रहकर अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले एक आदमी को ढूंढना चाहा, लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन आज मेरी प्रार्थना है, खांडी ओबरी मंडली में जब प्रभु आए तो वो कहने पाए, मुझे कुछ लोग मिल गए जो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जो अपने आप के लिए है। एक कवाल ने पहले इस प्रकार कहा, वो राग उसका मैं भूल गया, खुद के लिए बहुत आंसू बहाए हैं, गैरों के लिए भी कुछ आंसू आज हम बहा डालें, गैरों के लिए भी आज हम आंसू बहा डालें। प्रभु करे खांडी ओबरी की मंडली इस साल खत्म होते होते साइज में दुगनी नहीं उससे ज्यादा प्रभु आपको करेगा, आपका प्रभाव 10 गुना प्रभु आपका बढ़ाएगा, आपकी सीमाओं को प्रभु आपको बढ़ाएगा, यदि आप इस बात का ध्यान रखें और कहें, प्रभु मैं नहीं, आपकी महिमा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए, मेरे लिए ही चमत्कार नहीं प्रभु, आप अन्य लोगों के लिए भी आप चमत्कार करना। जब आप ऐसा आपके आसपास कितने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, कितने लोग हैं जो दारू और ताड़ी पीकर पड़े रहते हैं, कितने लोग हैं जिनके घर बर्बाद है, कितने लोग हैं जिनके घर में कोई मदद करने वाला नहीं है, कितने लोग हैं आपको मालूम, कितने लोग हैं जिनको सहायता की। कल एक मेरे पास फोन आया, मैं कुछ मित्रों के साथ था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, शायद गाड़ी में था, एक फोन आया मेरे पास और एक बहन बोल रही थी, उसको आंसुओं से बात कर रही थी, मैं उसका नंबर भी पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने नाम बोला मैं पहचान गया, मध्य प्रदेश के अंदर के अंदर के अंदर एक गांव से वो बहन बोल रही भैया, उसकी शैली में मैं बोल रहा हूँ, भैया कैसे हैं, और उसका आवाज सुन के मैं मालूम पड़ गया बहुत संकट में। मैंने बोला, बहन आप बोलो आप कैसे हैं, मेरी चिंता आप छोड़ो, आप दुआ कर रहे हैं इसलिए प्रभु का, नहीं मैं ठीक हूँ आप बोलो कैसे हैं। मैंने बोला, आप बताओ आपने फोन क्यों किया। बोला, भैया मेरे घर के ऊपर जो मैंने प्लास्टिक डाला था वो भी फट गया है, इस बारिश में हम सब भीग गए, क्योंकि उसका पति अपंग है और बहुत एबल आदमी था वो, शेर सिंह उसका नाम था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बीमारी उसके शरीर में हुई कि वो अब वो खाट से हिल भी नहीं पाता है, वहीं पर एक जगह बैठा रहता है। बोले, आप मेरे पति को जानते हैं, और मैं सोचने लगा, प्रभु ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके गाँव में आप देखिए, प्रभु करे कि आपको वो आँख दे कि प्रभु आपकी आवश्यकता ही नहीं दूसरों की आवश्यकता को आप देखकर प्रार्थना करने वाले बन जाए। 10,000 रुपया होना जरूरी नहीं है, कभी कभी पैसा हर चीज का जवाब नहीं, अगर आपके अंदर दिल है ना तो प्रभु स्वर्ग भी फाड़कर आपके लिए काम करने को तैयार हो जाता है। लेकिन आज हम अंत में ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का दिल दे,
क्योंकि प्रभु ने मेरे को यही बोला, खांडी उबरी की मंडली को बोलो प्रार्थना करने वाली मंडली बन जाओ, प्रार्थना करने वाली मंडली बन जाओ। जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, दर्शन प्रभु आपको दिखाएगा, भविष्यवाणी प्रभु आपको दिखाएगा, बीमार लोग गाड़ियों में यहाँ पर आएंगे, वे चंगे हो जाएंगे, और खबर फैलेगी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई लोग हैं जो रात भर प्रार्थना करते हैं, जो सुबह प्रार्थना करते हैं, जो सातों दिन यहाँ बैठकर प्रार्थना करते हैं, और स्वर्ग उनकी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, आज आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं या एक कदम और आगे बढ़कर आप कहना चाहते हैं, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा दे, प्रभु जी मुझे प्रार्थना करना सिखा दे। अपनी आंखें बंद करें। अगर आप कहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप कहते हैं प्रभु मुझे प्रार्थना करवाने वाला ही नहीं, प्रार्थना करने वाला मुझे बना दे, मैं केवल मेरी आवश्यकताओं के लिए नहीं अन्य लोगों की आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करने वाला बन जाऊं, मैं दूसरों के बारे में सोचने वाला बन जाऊं, अगर आप वो कहते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने स्थान पर, आप खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आज सुबह मैं चंगाई की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं आज सुबह और छुटकारे की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, आज सुबह मैं आपको बुला रहा हूं, कौन आएगा और कहेगा मुझे प्रार्थना की सेवा में लगा दे, मुझे प्रार्थना की सेवा में लगा दे। हालेलुया। अगर आप सच में सीरियस है, अगर सच मेरे आवाज को आप समझ रहे हैं, अगर प्रभु के संदेश को आप समझ गए, आप बुरा नहीं माने तो मैं आपको आगे बुलाना चाहता हूं, आप इधर आगे आइए, मैं हाथ नहीं रखूंगा आपके ऊपर, लेकिन किसी को मत देखना, आप धीरे धीरे आगे चलकर आइए और बोलिए प्रभु जी मुझे प्रार्थना करने वाली बना दे, मुझे प्रार्थना करने वाली। आप सामने आइए, मैं आपको प्रभु के हाथ में सौंपूंगा, आपके समय को प्रभु इस्तेमाल करेगा, आपके घड़ी को प्रभु इस्तेमाल करेगा, आपके शक्ति और अभिषेक को प्रभु इस्तेमाल करेगा। सब लोग जो जो कहते हैं मुझे प्रार्थना का वरदान चाहिए, वे लोग सामने आइए, हम आपके लिए प्रार्थना आज सुबह करने जा रहे हैं। नासरी यीशु के, सारी आंखें बंद, ये मत देखना वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सवाल ये है आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। यीशु के नाम से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हालेलुया। मुझे प्रार्थना करने वाला, ऐसे लोगों के लिए जिनको प्रार्थना नहीं आती है, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अभिषेक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो नरक जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जो दारू बीड़ी तंबाकू में पड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास जादू टोने के कारण वे लोग फंस गए हैं, ऐसे लोग जिनके पास कोई मार्ग नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करने का वरदान मुझे दे प्रभु जी। रुबा बाबा सथ रबाना वशीतल रमा। आप किस काम के लिए आ रहे हैं आपको मालूम है, आज सुबह प्रभु आपके आंखों में आंसू देगा। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के अद्भुत नाम से, नाश होने वाली आत्माओं का बोझ, नाश होने वाली आत्माओं का बोझ प्रभु आपको दे रहा है। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से प्रार्थना करने वाली एक सेना प्रभु यहाँ खड़ा कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से दुख उठाने वालों का दुख आप समझने पाओगे, आंसू बहाने वालों के आंसू आप समझने पाओगे। यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से कठोर दिल टूट जाने पाए और पत्थर का दिल पिघाल कर मांस का हृदय तू मेरे लोगों को देगा। यीशु मसीह के नाम से, कई बार प्रभु ने पिछले दिनों में आपको मन में लोगों का फोटो दिखाया, आपके मन में चित्र आया, आपके मन में याद आया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया और आपने छोड़ दिया। मुंह खोलकर धन्यवाद यीशु बोलते रहे, धन्यवाद यीशु बोलते रहे। कुछ लोगों को अन्य भाषा का वरदान आज भी मिलने जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके शरीर में करंट जैसा आएगा, चिंता नहीं करना, ये प्रभु का अभिषेक है। कुछ लोगों को गर्म एहसास होगा, कुछ लोगों को ठंडा एहसास होगा, कुछ लोगों को दर्शन प्रभु अभी दे रहा है। इस मंडली के अंदर 2022 के अंदर प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है, यीशु मसीह के अद्भुत नाम से। आपने मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, धन्यवाद यीशु बोलते रहिए, डरिए मत, चिंता मत करिए। हालेलुया। हर प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं यीशु के नाम से, हर मनुष्य के बंधन तोड़ देते हैं, हर प्रकार की सीमाओं को गिरा देते हैं, आत्मा का प्रवाह इस जगह पर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। दीन दुखियों को देखकर यीशु बैठा नहीं रहता था, दीन दुखियों को देखकर यीशु चुप नहीं रहता था। हाल मेरे प्रियो, आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास दिल है, प्रभु वो दिल का इस्तेमाल करेगा और लोगों को छुटकारा देगा। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अभिषेक प्राप्त करिए। मुंह खोलकर धन्यवाद यीशु बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुंह खोलो, धन्यवाद यीशु बोलो। एक अभिषेक प्रभु आपको दे रहा है, एक शक्ति पर आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ। दो जन यहाँ पर हैं जो बोल रहे हैं मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने जब किसी की मदद करी उन्होंने मेरा धोखा दिया, इसलिए मैं अब किसी की मदद नहीं करूंगा या करूंगी। यीशु के नाम से वो धोखा प्रभु के हाथ में दे दीजिए। यीशु को भी धोखा दिया लेकिन उसने कलवरी के क्रूस से वो उतरा नहीं। और यहूदा ने उसको धोखे से पकड़वाया लेकिन वो क्रूस से उतरा नहीं। मेरी बहन धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा। हुदाला रबा रमा दबल लमा रबट शथा रबम्बा रदबल लमा रियान रदबल लमा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसी वक्त पाइए यीशु के नाम से जिनके हाथ उठे हुए हैं। और आप कहिए प्रभु मुझे ये वो शक्ति चाहिए, मुझे वो मन चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का अभिषेक चाहिए। मेरे को प्रभु आता नहीं है, प्रभु मेरे को आता नहीं लेकिन इच्छा चाहिए। धीरा बाबा मामा बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे प्रिय प्रभु आपको टाइम निकालना सिखाएगा। मैं भी बोलता था मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब जब भी प्रार्थना की घंटी बजती है मेरा दिल जाग जाता है और मैं कहता हूँ हूरा शाखा राधा नामा। प्रभु ये बड़े बड़े काम हमारे लोगों के लिए कर यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आज हाथ उठा रहे इनके हाथ रखने से दुष्टात्माएं भाग जाएगी, इनके हाथ रखने से बीमार चंगे हो जाएंगे, इनके हाथ रखने से हाल गांठ गायब हो जाएगी, इनके हाथ रखने से पापी मन फिराएंगे, लोगों का दारू छूट जाएगा, इनके हाथ रखने से श्राप टूट जाएगा। धीरा रा बाबा मा शेखे ठे ठे रियांडो रो दो बोलो लो रियांडो रो दो बोलो लो मा। अगर आपके मन में पाप है प्रभु से बोलिए प्रभु मेरे पाप को तू क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, मुझे नया अभिषेक दे। यीशु मसीह के नाम से एक नदी के समान, एक नदी के समान पवित्र आत्मा का प्रवाह। बहन प्रभु तुझे छटकाई का वरदान देगा। तेरे पास कठिन से कठिन केस आएंगे, तू डरना मत, तू डरना मत, तू कहना लेकर आओ हम सेवा करेंगे, लेकर आओ हम मदद करेंगे, लेकर आओ हम इसके ठीक को निकालेंगे, लेकर आओ हम इसके घाव को सुखाएंगे। इस मंडली के अंदर प्रभु कुछ नेक सामरियों को खड़ा कर रहा है। सुबह 2022 में प्रभु आपको जिन लोगों ने ठुकरा दिया उन लोगों के पास प्रभु भाइयों आपको भेजेगा, डरना मत। हाँ, प्रभु बोल रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं, आपको उत्साहित करने के लिए नहीं है, भविष्यवाणी है। नेक सामरी जहां पर याजक ने छोड़ दिया, जहां पर लेवी ने छोड़ दिया, लेकिन एक व्यक्ति के दिल में आग थी इसको मैं कैसे छोड़कर जाऊं। जवान भाई प्रभु तेरे को अभिषेक दे रहा है यीशु के नाम से। तू रात में सोएगा प्रभु तेरे को दर्शन दिखाएंगे। और जब किसी का भी आपको फोटो या चित्र या याद आता है आज के बाद से उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देना। प्रभु आपको याद दिला रहे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। आज सुबह यीशु मसीह के नाम से मंडली के ऊपर प्रार्थना की आत्मा जकरिया 12:10 मैं उन्हें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडे लूंगा, मैं उनके ऊपर प्रार्थना करवाने वाली आत्मा उंडे लूंगा यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद से प्रार्थना के प्राप्त करने वाले ही नहीं, प्रार्थना करने वाला प्रभु आपको बनाएगा। विश्वास को बढ़ाइए, हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु थैंक यू, मुझे नहीं मालूम कैसे होगा लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मेरी प्रार्थना से आंधी आंखें खुल जाएगी, मेरी प्रार्थना से फोड़े फुंसी दूर हो जाएंगे, मेरी प्रार्थना से बीमार छंगे हो जाएंगे, मेरी प्रार्थना से टूटे हुए घर बिखरे हुए घर एक हो जाएंगे। बजाओ बजाओ विश्वास की ताली बजाओ मेरी बहनों भाइयों बजाओ, जब तक कि आपको एहसास ना हो जाए बजाओ बजाओ। शरीर को मालूम पड़े, आपके प्राण को मालूम पड़े। अभिषेक 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 शक्ति थारी अंदर दबल मारी अंदर दबल मारी अंदर दबल मारा। बजाइए रुकिए ना, बजाइए बजाइए, ये ध्वनि है, ये जय जयकार की ध्वनि है। शक्ति बजाइए
आधा मिनट और ताली बजाएंगे प्रभु, क्या मालूम एक नया तेल आपके जीवन में डाले। जोर से मन के अंदर बोलिए, मुझे प्रभु प्रार्थना करने वाली आत्मा सिखा दे। रात भर में प्रार्थना करूं, सुबह उठकर में प्रार्थना करूं, उपवास के साथ प्रार्थना करूं, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करूं, बीमारों के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु आपको सेवा के लिए भेजेगा बहनों, प्रभु आपको सेवा के लिए भेजेगा भाइयों। इस मंडली से जुड़े रहना, इस मंडली की जड़ को पकड़ लेना, लेकिन सेवा के लिए निकल जाना। प्रार्थना की आत्मा, 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 प्रार्थना करवाने वाले आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, प्रभाव डालने वाली आत्मा, योग्यता से I'm not afraid to die.
की रुचि को आप बढ़ाएंगे, प्रार्थना के तरीकों को आपने बतलाएंगे, यीशु के नाम से ये प्रार्थना में शूरवीर हो जाएंगे, इनके घुटने छिल जाएंगे, क्योंकि ये बैठ कर प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग झुक जाएगा। और पूरा तहसील नहीं, पूरा जिला प्रभु की महिमा से भर जाएगा। प्रार्थना अकेले भी हो सकता है, प्रार्थना झुंड में भी हो सकता है, प्रार्थना सुबह भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, प्रार्थना बाजार में भी हो सकती है, चर्च में भी हो सकती है, प्रार्थना अन्य भाषा में भी हो सकती है, गुजराती हिंदी में भी हो सकती है, बहुत तरीके हैं प्रार्थना के। आपको रोज बोलना, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाऊं। आज आपने जो निर्णय लिया उसके कारण आप आशीष पाएंगे और हजारों लोग और आशीष पाने जा रहे हैं। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपकी समस्या का आखिरी दिन है, आप चंगे हो रहे हैं आज, क्योंकि आपने निर्णय किया दूसरों के लिए आप प्रार्थना में समय बिताएंगे। God bless you, प्रभु आप बहुत बहुत आशीष। अपने स्थान पर आप बैठ सकते हैं, सारे प्रभु को देते हैं।